स्टार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंब्रा रेलवे स्टेशन के सामने सुन्नी जामा मस्जिद की बुनियाद सन 1980 में रखी गई थी, मगर अब इस जामा मस्जिद को ट्रस्ट ने शहीद करने का फैसला लिया है, क्योंकि मस्जिद अभी ग्राउंड प्लस वन थी। मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की तादाद ज्यादा है और ये मस्जिद धोखादायक भी हो गई थी, इसलिए 24 सितंबर 2021 को मुंब्रा स्टेशन के सामने सुन्नी जामा मस्जिद को शहीद करने का काम शुरू किया गया। मगर शहीद करने के काम को शुरू करने से पहले मस्जिद के इमाम साहब और ट्रस्टी हासिम दादा और तमाम लोगों ने दुआ मांगी। 40 दिनों के अंदर सुन्नी जामा मस्जिद को शहीद किया जाएगा और 18 महीनों में ग्राउंड प्लस 4 की मस्जिद तामीर की जाएगी। ट्रस्ट ने लोगों से इस नेक काम में हिस्सा लेने की अपील की है। आप मस्जिद के सामने ट्रस्ट से 100, 200, 500, 2000 के रसीद कटवा सकते हैं। आप ट्रस्ट के अकाउंट में ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। मस्जिद के ट्रस्टी हासिम दादा और सलीम हाजी साथ में मस्जिद को शहीद करने का काम जिसे दिया गया है शाहरुख सैयद, इन सभी लोगों से संवाददाता सरफराज दरबारी ने क्या बातचीत की है। मोहतरम जनाब हाशिम दादा साहब, आज जामा मस्जिद पे मस्जिद की तामीर के लिए दोबारा ताबीर करने के लिए जो पूरा प्रोग्राम रखा गया था, इसके बारे में क्या पूरी मालूमात देंगे आप? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उमरा शहर की एक सबसे पुरानी एक जामा मस्जिद है, कई बार इसकी तामीर की गई। 1980 में इसको जब तामीर किया गया तकरीबन 40 साल हो गए और आबादी भी बढ़ गई है। इन हालात में मस्जिद भी बहुत कमज़ोर हो गई है। हमको कई जगह से ऑडिट करने के बाद भी पता चला कि अभी मस्जिद इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है, तो इसके लिए दोबारा नए से तामीर करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद ट्रस्टी और मुंब्रा के खुसूसी कई लोग अवाम, मैं तो बोलता हूँ सारे अवाम इसमें ताउन कर रहे और साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह अजीब अल्लाह ने हमारी मदद शामिल हाल रही, तो हम इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द तामीर करेंगे। इस मस्जिद को दोबारा तामीर होने में कितना वक्तन लगेगा आपके हिसाब से? जनाब वक्त का अंदाज़ा नहीं दे सकते, काम अच्छा करना है फिर भी अंदाज़ा 2 साल का वक्फा लगेगा, अंदाज़ा 2 साल लगेगा। तो मुंब्रा की आवाम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? बस अल्लाह का जन्नत में जिसको घर बनाना है वो आए और मस्जिद में हिस्सा ले, अपने मरूमिन के हिस्सा ले, सवाब के लिए हिस्सा ले, ताकि आप सवाब जारिया में शामिल हो जाए। इसकी जो हैसियत हो, अगर कोई शख्स बड़ी रकम नहीं दे सकता तो किस्तों में अदा करे, हर महीने 500-1000 रुपये भी देगा, 2 साल के अंदर एक बड़ी रकम उसके पास हो जाएगी, तो इंशाल्लाह वो भी अपने आप को खुश नसीब समझेगा कि मेरी हैसियत है कि अल्लाह ने मेरे को ऐसे जराए बनाए कि मैंने बड़ी रकम अल्लाह के घर में इस्तेमाल की। मस्जिद की तामीर को लेके किस तरह का आपका स्ट्रक्चर है, क्या प्लान है और लोगों से क्या आप मदद करना है? ये धोखादाई हो गई है मस्जिद, पहले बीच में एक बार स्लैब गिरा था इसलिए आप सब डर हो गया, नमाज में लोगों को धोखा हो गया, इसलिए ट्रस्ट ने फैसला किया है कि जल्द से जल्द सब आवाम को जोड़ के जल्द से जल्द तामीर का काम शुरू किया जाए। चार आबादी के हिसाब से बढ़ेगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाह अल्लाह हमसे काम लेगा इंशाल्लाह। अपील है पब्लिक से कि जल्द से ज़्यादा ताउन करें। आज मुंब्रा जामा मस्जिद की दोबारा तामीरात के काम के लिए सारी मस्जिद में दुआएं की गई, लोग इकट्ठा हुए, शहर के बड़े लोग थे, मगर आपको बुलाकर इस तामीरी काम से पहला जो मस्जिद को डेमोलिशन करना, इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे पूरी? सबसे पहला ये मुंब्रा शहर को हमको बहुत बड़ा खिदमत करने का मौका मिला कि मस्जिद को शहीद करने के लिए, और मौका भी हमको इस शहर ने मुंब्रा ने जो इतनी इज्जत अता की कमेटी मेंबर ने, तो हम लोग ये अल्लाह के तरफ से हमको खिदमत का मौका मिला है और ये कमेटी के मेंबर की तरफ से हमको एक छोटा सा काम भी मिल गया। बस आपने ये जो सिग्नेचर किए हैं डेमोलिशन करने का, तो आप कितने महीनों में पूरी? 40 दिन के अंदर। आपने 40 दिन का टाइम दिया है, 40 दिन में आप डेमोलिशन कर।